तीज का त्यौहार श्रावण मास की श्रावण मास में मनाया जाता है और ये माता पार्वती को समर्पित है। कुंवारी कन्याओं के लिए जो नई शादियाँ होती है उन नवविवाहित लड़कियों के लिए सिंजारा आता है जिसमें तीज के गेवर झूला और लहरिया आता है जिसको पहनकर लड़की झूला झूलती है और मिठाइयाँ आती है ताकि उनके जीवन में मिठास भर सके। और जो स्त्रियाँ हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए शुभकामना के लिए आज के दिन तीज के दिन लहरिया पहनती है और ये महोत्सव बनाती है। आज के दिन झूला झूलती हैं और कई तरह के घर में पकवान बनाए जाते हैं। और 2 साल बाद इस तरह का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और सभी महिलाएँ बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रही हैं, बहुत मज़ा कर रही हैं और कोरोना के बाद मिलने का इस तरह से पहली बार ऐसा मौका मिला है। नाम बताइए। मेरा नाम रजनी है, मिठालाल का चौक जी। ये तीज का कार्यक्रम किया जा रहा है, सावन का महीना है तो ये तीज बनाई जाती है जिसमें पकवान बनाते हैं। और ये तीज आपको जैसे सभी को पता है कोरोना काल के बाद ये पहली बार तीज आई है जिसमें कोरोना काल का कोई डर नहीं है हमें, क्योंकि अभी सबको वैक्सीन लग चुकी है और सब स्वस्थ हैं। तो इसीलिए हमने तीज का कार्यक्रम रखा है जिसमें सभी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। जैसा आप देख रहे हैं सभी ने गीत का महोत्सव किया है और डांस पार्टिसिपेट किया है। और तीज इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की पूजा करती हैं, आज माता पार्वती की पूजा करती हैं और उनसे मनोकामना करती है अच्छे पति के लिए। और जो जिनकी नई नई शादी होती है उनके ससुराल वालों के यहाँ से तीज आती है, घेवर आते हैं, क्योंकि कहते ऐसा कहा जाता है कि सास बहू एक साथ नहीं रहती हैं तो जब वो अपने पियर जाती हैं तो सास और उनके पति जो ससुराल वाले हैं प्रेम से उनके लिए मिठाई घेवर भिजवाते हैं और लहरिया भिजवाते हैं जिससे वो पहनती है और इसमें झूला भी भिजवाते हैं जिससे वो झूल के अपने घर में झूल के तीज का महोत्सव मनाती है। आपने किस तरीके से तीज का महोत्सव? हमने यहाँ पर 56 की झांकी सजाई है और सभी महिलाओं ने डांस किया है और हमने आसपास की महिलाओं को एकत्रित किया है और सभी ने गीत गाए हैं और झूला झूला है और डांस प्रोग्राम भी आयोजित किया है जिसमें सभी महिलाओं ने लहरिया पहनकर आई हैं और तैयार होकर आई हैं अच्छे से। हिंदू धर्म के अंदर तीज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि ये माता पार्वती और शंकर भगवान की याद में ही बनाई जाती है और इन दोनों को याद करके ही बनाया जाता है। और माता पार्वती की शादी के बाद ये पहली तीज थी तो शंकर जी ने ही उनके लिए आयोजित किया था तो ऐसा कहा जाता है जी। मेरा नाम तृप्ति शर्मा है और मैं मिठन लाल चौक पुरानी मंडी अजमेर से।